दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेप्टेंबर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन है यहाँ ए जो दिया हुआ है वो फाइव क्रॉस फाइव मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है विद एंट्रीज किसी फील्ड एफ से हैं और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज नॉन जीरो और उसके बाद बोला है कि क्रेक्टर पॉलिमिल ऑफ ए एंड करेक्टर पॉलिमिल ऑफ ए इम तो करेक्टरिस्टिक पॉलिमेल ऑफ ए इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक पॉलिमेल ऑफ ए इनवर्स ये इंफॉर्मेशन दी हुई है अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिमल ऑफ ए एंड ए इनवर्स सेम है तो इम्प्लाइज करेगा द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है कैरेक्टर से इक्वाल सेम है तो उनकी आइगन वैल्यू सेम होगी और उनकी ए एम जी एम सेम होगी तो अगर ए की आइगन वैल्यू लैमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है ठीक है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती हैं वन अपॉन लेमडा वन वन अपॉन लेमडा टू वन अपॉन लेमडा एन होती हैं बट ये तो सेम होनी चाहिए तो यहाँ से इनका सम भी सेम होगा इनका प्रोडक्ट भी सेम होगा तो सिंपली लेमडा वन इंटू लेमडा टू इंटू लेमडा एन शुड भी इक्वल टू वन अपॉन लेमडा वन वन अपॉन लेमडा टू वन अपॉन लेमडा एन क्योंकि ये सारी वैल्यूज सेम है तो जैसे लेमडा वन वन अपॉन लेमडा वन किसी न किसी लैमडा के के इक्वल होगा यहाँ से क्या आ गया लेमडा वन स्क्वेयर इंटू लेमडा टू स्क्वेयर इंटू लेमडा फाइव स्क्र फाइव क्रॉस फाइव मेट्रिक्स है ठीक है तो लैमडा फाइव स्क्वेयर इक्वल टू वन आ गया और ये क्या है ए की आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू वन आ गया और ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए स्क्वेयर इज़ वन वो प्रूफ हो गया सेकेंड कह रहा है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए टू द पावर फाइव इज़ वन उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि लैमडा वन स्क्वेयर लैमडा टू स्क्वेयर लैमडा फाइव स्क्वेयर का प्रोडक्ट वन है तो इसकी पावर फाइव करने पे कोई वन आने की गारंटी नहीं है तो पहला ऑप्शन ट्रू है क्योंकि लैमडा टू द पावर फाइव के आइगन वैल्यू सेम होने की गारंटी नहीं है जैसे ए की आइगन वैल्यू वन माइनस वन वन माइनस वन हो जाए तो आइगन वैल्यू भी वो हो जाएंगी लेकिन ए टू दी पावर की आइगन वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो फॉर एग्जाम्पल ए की आइगन वैल्यू आप वन ले सकते हैं माइनस वन ले सकते हैं वन ले सकते हैं एंड माइनस वन ठीक है one, और फिर वन ले सकते हैं या माइनस वन माइनस वन ले सकते ठीक है ठीके? तो यहां से जो ए की आइगन वैल्यू ये हैं तो ए टू पावर फाइव की आइगन वैल्यू वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन आ जाएगी और तो ए टू पावर फाइव का डिटर्मिनेट क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा तो ये जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन है वो फेल कर जाएगा और डी ऑप्शन ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू वन उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि इन सम की बात करेंगे तो लैमडा वन स्क्वेयर प्लस लेमडा टू स्क्वेयर प्लस लेमडा फाइव स्क्वेयर इक्वल टू वन बाई लैम्डा वन स्क्वेयर प्लस जैसे यहाँ ट्रेस ऑफ ए स्क्र करूंगा ए ये पिक कर लो ए और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू यहाँ सेम है ठीक है वन अपॉन आई करोगे तो सेम ही रहना है तो ए और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू सेम है तो ए स्क्वेयर करूंगा तो ट्रेस क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा तो ये आपका काउंटर एग्जाम्पल है सी और डी का तो आंसर शुड बी ओनली ए ऑप्शन वो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ठीक है